विधानसभा के बाहर एक शख्स सिर पर चप्पल रखकर और हांडी लेकर पहुंचा। ये शख्स खुद को शिक्षा के पेशे से जुड़ा हुआ बता रहा था। इसी बीच हवा महल विधानसभा से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य सड़क पर पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति की समस्या सुनी। बीजेपी विधायक ने शख्स के सिर से खुद चप्पल हटाई और कहा कि ये पुरानी सरकार नहीं बीजेपी सरकार है, सीएम तक पहुँचाई जाएगी और राहत जरूर मिलेगी। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर एक शख्स विधानसभा के बाहर पहुंचता है और सिर पर चप्पल लिए अपनी व्यथा सुनाता है, अपनी पीड़ा सुनाता है। जब विधायक बालमुकुंदाचार्य वहां पर खुद पहुंच जाते हैं, उसके सिर से चप्पल हटाते हैं और कहते हैं कि डरिए नहीं, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, आपकी पीड़ा आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी और इसका समाधान भी होगा। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। राजस्थान में कोविड के 4 मामले सामने आ चुके हैं। एक झुंझुनू, एक भरतपुर और एक दौसा में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने शाम 5 बजे एक बैठक बुलाई है। सीएम शाम 5 बजे सीएमओ में ये बैठक लेंगे, जिसमें चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो वहीं बाड़मेर में अब तक 22 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी कोविड पॉजिटिव सामने नहीं आया है। तो कोरोना के मामले फिर से तेजी से ना बढ़े, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शाम 5 बजे एक और महत्वपूर्ण बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। जैसलमेर और जयपुर में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सावधानी के तौर पर 150 ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए गए हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल की नई बिल्डिंग में 150 ऑक्सीजन बेड के वार्ड तैयार किए गए हैं और इसके अलावा हालत गंभीर होने पर जरूरत पड़ने वाली तमाम जरूरतों को दुरुस्त कर लिया गया है। 150 बेड है, इसमें 80 बेड्स पर हमारे पास ऑक्सीजन पाइपलाइन के थ्रू है और बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें हमारे पास लगभग 320 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर है बड़े वाले और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे पास 165 है। इसके अलावा हमारे पास जो है 3 PSA प्लांट हैं, तीनों फंक्शनल हैं, तीनों अच्छे से चल रहे हैं और हमारे पास एडिशनल हमारे पास एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें 20,000 लीटर की कैपेसिटी है, किलो लीटर की कैपेसिटी है, इससे हमारे पर्याप्त ऑक्सीजन की बैकअप है हमारे पास पूरा। खबर बाड़मेर से है, जहां पर पूर्व विधायक मेवाराम जैन को राजस्थान उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट में आज मेवाराम जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेवाराम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई, साथ ही मेवाराम को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने फैसला पीड़िता को सुरक्षा देने के भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़िता ने निराशा जताते हुए कहा है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपर कोर्ट में अपील करूंगी। वो कर रही है, ये क्या हुआ फिर, कहीं घनी कर दिया वे, कई अत्याचार करे, कई डंडा डलावे, कई बंदूक रखे, वीडियो बनावे कि मोर खिलाफ बोलगी तो मार देंगे, बबरी वाला कांड होगा, लाट गई नहीं लाद देला, मतलब ऐड़ा ऐड़ा बोल ले वे। कोर्ट से न्याय नहीं मिला और अब यहाँ से नहीं मिला, मैं और आगे जाऊंगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर और एसपी ने खुद गंभीरता से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि कल राष्ट्रपति के पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के लाइव युद्धाभ्यास को देखेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।